एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी शाम के बज रहे हैं ठीक 8:15, रात के बज रहे हैं ठीक 8:15। और मैं इतनी लेट वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं कर रही थी ब्लॉग की एडिटिंग, जो कि आज ही जाना था दूसरे चैनल पे। और वंशिका के पापा चले गए हैं घूमने के लिए, तो उनकी प्लानिंग एक हफ्ते पहले ही हो गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ जाने की। तो वो बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे जाते नहीं हैं, लेकिन हाँ साल में एक बार वो मतलब उन फ्रेंड्स के साथ जो है ना ट्रिप ज़रूर करते हैं। और अच्छी बात भी है, करनी भी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ भी कोई चीज़ होती है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गए हैं। उनकी प्लानिंग थी कि उनको जाना था ट्रैकिंग करने, उन्हें ट्रैकिंग करने का बहुत शौक है और उनको हमेशा से शौक है कि पहाड़ों पे जाने का, मेरी तरह। तो मैंने अभी उन्हें मना कर दिया था क्योंकि जहाँ पर वो जाने की सोच रहे थे ना, उस रास्ते पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। मतलब कि आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ वाला जो भी रूट है, इस पे वहाँ पर 4 से 5 घंटे का जो ट्रैफिक है ना वो लगा हुआ है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डेली न्यूज़ सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को लेके मत आओ। और कितने लोग तो मतलब गाड़ी में ही सोना पड़ रहा है लोगों को ना, तो हालत वहाँ की ख़राब है। तो इसीलिए मैंने भी उन्हें यही बोला कि भाई ज़्यादा लंबे मत जाना, कि तुम ट्रैकिंग के चक्कर में फंस जाओ कहीं ट्रैफिक वगैरह में, क्योंकि छुट्टी भी इतनी ज़्यादा है नहीं। संडे को आई थिंक वो वापस आ ही जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, मतलब ये है कि अपना लोकल कहीं पर घूम लेंगे। और बस अभी मैं और बच्चे रह गए हैं घर पे, डिनर विनर की कोई भी तैयारी नहीं की है। आज मैंने दोपहर में कढ़ी बनाई थी, तो मैं सोची थी कि कढ़ी रखी हुई है, थोड़े से चावल बना लूँगी। लेकिन अभी बच्चों की प्लानिंग कुछ और है, क्योंकि आज दिन भर से दोनों यही प्लानिंग कर रहे थे कि आज जब पापा घूमने जाएंगे तो हम लोग अपनी पार्टी करेंगे। तो उनका यही रहता है कि पापा घूमने जाएंगे ना तो मम्मी हमारे लिए कुछ बाहर से मंगवाएगी। तो विदांश तो फिलहाल गया हुआ है पार्क ना। क्या खाओगे? कढ़ी चावल खा लोगे? नहीं, क्यों? अच्छा, इतनी सी चीजें बस? और सुनो। नहीं सुनना नहीं है, हो गया। अच्छा वेदांश, तू बर्गर के लिए बोल रही है, वेदांश पिज्जा के लिए बोलेगा। तुम दोनों की अलग अलग चॉइस होती है, तो फिर कोई एक चॉइस कर लो। बर्गर और कोल्ड ड्रिंक वेदांश के लिए भी वही मंगा दूं? वेदांश के लिए भी वही कर दूं? चलो भाई, अब छुट्टी है कल और परसों, तो एंजॉय करना तो बनता है, तो आज इनकी मान लेते हैं ना। और आज तो टीवी पे बिल्कुल इनका अधिकार है, बैठ गई है टीवी पे अपना आराम से। अभी वो भी आएगा तो दोनों कुछ ऐसा लगाना उसकी लड़ाई ना हो। मम्मी ये तो इतना अच्छा है, वो जो शॉर्ट्स देखते हैं। हाँ तो यही वो देख लेगा ना, ये भी राधा कृष्ण भी तो देखता है वो। चलिए भाई, इनके लिए ऑर्डर करा लेती हूँ, पहले देखती हूँ अभी और क्या क्या ऑर्डर कराना है, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखो ये आया। हाँ पापा तो गए, क्या हो गया? और ये कितना पसीने में भीग के आया है, देखो जरा। ये पानी डाला था। और ये भी पानी है? नहीं, पसीना है। नहाने तो चला जा। मैं क्या बोल रही थी, आज कढ़ी है, मैंने चावल बना दिए, बस कढ़ी चावल खाएंगे। क्या खाना है? बाहर बाहर का क्यों खाना है? हेल्दी होता है। चल अच्छा, तू फटाफट से नहा ले पहले, है ना? नहीं कुछ नहीं मंगवा रही हूँ मैं आज, अब लेट हो गया बेटा, कल मंगवाएंगे। ठीक है, मुंह ऐसा हो रहा है, कैमरे के बाद बताएगा ना मुझे। कैमरे के मतलब इमेज खराब नहीं होनी चाहिए कैमरे के सामने। बोल ले अभी जो बोल रहा है। नहीं बोल ले ना, क्यों? अच्छा सरप्राइज है, मंगवा दिया है। अब सरप्राइज है, आने दे पहले। ठीक है, आप मेरे कपड़े निकालो, मैं आती हूं। ठीक है। नो, आ गया। तो फाइनली आ गया है इनका पार्टी फूड। चलो भाई निकाल लो। क्या क्या आया है? बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, है ना? तुझे भी हो रहा था? यही बैठ गया बेचारा। सबसे स्कूटर कहाँ कहाँ आया, क्यों नहीं अभी तक है? अच्छा दो, ये इसमें कुछ है क्या? इसमें है। ट्रैकिंग होती है ना? हाँ। हम वो देख रहे हैं और वो जो टोमेटो वाले भैया हैं ऊपर आ गए, बाइक अपने आप ही घूम रही है इधर उधर। भाई टोमेटो वाले तो कुछ नहीं कर रहे,
ये लो, ये आए इनके बर्गर। ट्रे लेकर आओ वहां से, किचन से बड़ी वाली ट्रे लेकर आओ। तो यहाँ पर मैंने मंगाए हैं 2 बर्गर और ये 3 पिज्जा मैक पफ, फ्रेंच फ्राइज और साथ में एक ये आलू का कुछ रोल है, ये इसको क्या बोलते हैं, अच्छा रैप बोलते हैं इसको, ठीक है मैम। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता इनकी ये फ्रेंच फ्राइज ऐसे क्यों रहते हैं, कैसे हो रही है? भाई अच्छे होते हैं। चलो खुश हो गए तुम लोग, चलो ठीक है। और साथ में आइए कोल्ड ड्रिंक। गुड मॉर्निंग, तो जी सुबह का वक्त है और आज का ही जो है ये दिन है। और आज ना हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठे थे क्योंकि कल रात भी हम काफ़ी ज़्यादा लेट सोए थे। हम लोग करीब 2:30 बजे सोए थे क्योंकि कल पूरी रात जो है लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इतने लोगों के एसी चलते हैं तो शायद लोड ज़्यादा पड़ता है, तो हर आधा घंटे में और 15 मिनट में ना 10-10 मिनट के लिए लाइट पे जो है कट लग रहा था। तो ये जो सिलसिला था ये रात के 2:30 बजे तक जो है चला है, तो नींद तो डिस्टर्ब होती है। और बच्चे ना आज हम तीनों साथ ही उठ गए थे, मतलब मैं उठी तो दोनों बच्चे भी जो है मेरे साथ ही उठ गए। अब हम तीनों ने डिसाइड किया कि मिल के फटाफट से जो है घर को क्लीन करते हैं और उसके बाद आराम से जो है हम लोग बैठ जाएंगे। तो बस मैं लग गई हूँ अपना जो भी मेरा काम रहता है सुबह का, जैसे बेड वगैरह ठीक करना है, उसके बाद झाड़ू पोछे का मैं जो है काम करूँगी। वेदांश को मैंने बोल दिया था कि वो नहा के जो है सबसे पहले पूजा करेगा क्योंकि पापा जो है घर पर नहीं है, तो फिर वो मान गया था कि हाँ मम्मा मैं आगे पूजा कर लेता हूँ। और वंशिका ने जो डिपार्टमेंट लिया था वो था डस्टिंग का, तो उसने बोला कि मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से तीनों ने जो है एक एक चीज़ को ले लिया था और काम इतनी जल्दी निपटा कि पता ही नहीं चला, वरना इस गर्मी में घर के काम करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है झाड़ू लगाना कर दिया है शुरू, और रात को हमने पार्टी की थी, इतना सारा सामान मंगाया हुआ था, तो देख सकते हैं आप कि कितना सारा कूड़ा जो है ना वो निकला है, क्योंकि बच्चों ने क्या किया ना खाया। और जब एक बार बच्चे एसी में बैठ जाते हैं तो फिर तो उठने का सवाल ही नहीं होता है, तो सारा कूड़ा उन्होंने वहीं पर नीचे ही फेंका हुआ था। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आज इनको एंजॉय करने देते हैं, इस सुबह तो फिर क्लीनिंग जो है ना वो होनी ही है। तो इधर जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो वंशिका जो है बाहर के एरिया में आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। और जब बच्चों को मतलब कुछ ऐसा काम दो ना तो बच्चे बड़े मन से करते हैं, जैसे उनको पता है ना कि मम्मी ने बोला है कि तीनों के तीनों जल्दी काम निपटाएंगे, तो दोनों ही बच्चे जो है जो भी काम करेंगे वो बहुत मन लगा कर करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं लगा दूँगी फटाफट से पूरे घर में पोछा। और गर्मी की वजह से ना पंखे भी चलाने की जैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, पोछा लगाते जाओ और वो फटाफट से जो है ना सूखता जाता है। नाश्ते का हमारा ये था, मतलब ये डिसाइड हुआ था तीनों का कि आज हम लोग चाय और ब्रेड का नाश्ता करेंगे। तो जब मैं मतलब काम कर ही रही थी ना तो उसी बीच जो है मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा दिया था ब्रेड, तो फिर जो है नाश्ता हमारा जो हुआ था वो चाय और ब्रेड का हुआ था। घर वगैरह क्लीन करने के बाद एक जो अलग से सुकून मिलता है ना उसके तो कहने ही क्या। और बस हम लोगों ने फटाफट से काम किया, उसके बाद वंशिका चली गई थी नहाने और फिर मैं नहा के आई, हम लोगों ने नाश्ता किया और अब हम लोग अंदर रूम पे आ गए हैं, आराम से एसी चला के बैठे हैं, बच्चों ने टीवी ऑन कर लिया है और मैं आज इन दोनों के चंपी करने वाली हूँ अच्छे से, क्योंकि गर्मी बहुत है और इस गर्मी में मैं इनके लगा रही हूँ नवरत्न तेल, थोड़ा सा जो है इनके दिमाग को ठंडक मिलेगी। और मुझे तो गर्मियों में ना नवरत्न तेल बहुत पसंद है, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना ये नवरत्न तेल अपने सर पे जरूर लगाती हूँ ना, अगर सर वगैरह दर्द हो रहा हो ना और थोड़ा सा ये तेल लगा लो, हल्का सा इसमें पानी डाल के लगाओ ठंडा ठंडा, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है।
प्रवंशी का इतनी खुश हो रही थी ना जब मैं उसके चंपी कर रही थी, उसको बड़ा मज़ा आता है चंपी करवाने पे, तो बोलती है मम्मा करते रहो। तो पहले वंशिका के अच्छे से ऑयल लगाया, उसके बाद मैंने उसके जो है बाल बना दिए। तो आज बोल रही थी कि मम्मा आप मुझे ना लंबे बाल करने हैं अपने, खूब लंबे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर इनकी केयर किया कर, अपना जो है अच्छे से बना के रखा कर बाल, तभी बाल लंबे होंगे। तो वेदांश को जब चंपी के लिए बोला ना, पहले तो वो मुझसे मना कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं करवानी है, लेकिन जब दो तीन बार मैंने बोला और उसने देखा कि वंशिका को बड़ा मज़ा आया, तो फिर फटाफट से वो भी जो है ना मेरे सामने आके बैठ गया कि चलो अब मेरे भी चंपी कर दो। और बस दोनों की जो है ऑयलिंग वगैरह कर दूंगी मैं। और आज हम लोग सुकून से बैठे हुए थे क्योंकि ऐसी कोई काम की ज़्यादा टेंशन थी नहीं, काम तो हम लोगों का हो ही चुका था। तीनों ने ये डिसाइड किया था कि फिर हम लोग आराम से बैठ के ना टीवी में कुछ भी अच्छा सा देखेंगे, फिर चाहे कोई सीरियल हो या फिर बच्चों की कोई अच्छी सी मूवी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, और मतलब सुबह उठे थे हम लोग फटाफट से, हम तीनों ने मिलजुल के काम किया। मैंने जो है फटाफट से झाड़ू पोछा किया, वंशिका को लगाया सुबह डस्टिंग पे, और वेदांश ने नहा धो के कर ली थी पूजा। तो बस अभी हम लोग एसी ऑन करके बैठे हुए हैं क्योंकि आज का जो टेम्परेचर है अभी इस वक्त का वो 42 डिग्री है। आज अति की गर्मी है, अति की। सुबह ना जब काम कर रही थी ना मैं, मुझे चक्कर से आ रहे थे गर्मी की वजह से, इतने बुरे हाल हैं। और मैंने इसीलिए ना आज इन दोनों के सर पे अच्छे से जो है चंपी कर दी है, इनको चंपू बना दिया है। वेदांश तो कभी ऑयल नहीं लगवाता, लेकिन आज मैंने ज़बरदस्ती ना इनके नवरत्न तेल लगाया है, उससे काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलती है ना, मज़ा आ रहा है, आज अच्छा फील हो रहा होगा ना। और वंच बोल रही थी मैं तो अब सो जाऊंगी। नाश्ते में हम लोगों ने ब्रेड खाया था, और लंच वंच में अभी बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि कढ़ी जो है कल हमने खाई नहीं थी रात को, तो फ्रिज में रखी हुई है। दोपहर में हम लोग चावल बनाएंगे, तो आज का जो लंच है वो होगा कढ़ी और चावल। तो चलिए फिलहाल के लिए अपने इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक ले बो बाय एंड टेक केयर। और यहाँ देखिए क्या चल रहा है, ध्रुव राठी, मजा आता है ना देखने में। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।